हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेकर के आई हूँ। मेरी भाई की शादी है और आप देख सकते हैं हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही मस्ती की हम लोगों ने। रोज़ शाम को हम लोग ऐसे ही डांस करते थे, सभी लोग, जिसको आ रहा है वो भी, जिसको नहीं आ रहा है वो भी कर रहे हैं, और बड़ा ही मज़ा आया हम लोगों को। सारी रात डांस होता था फ्रेंड्स, सुबह हो जाती थी डांस करते करते, और सभी ऐसी मस्ती में लगे रहते थे डांस करने में, और बहुत ही मज़ा आया फ्रेंड्स। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को। और फ्रेंड्स, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं शादी की क्लिप, और आप भी थोड़ा इन्जॉय करें और आपको भी अच्छा लगे। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और देख सकते हैं कितने मस्ती में झूम रहे हैं सभी, मस्त होकर के, और बड़ा ही एंजॉय किया है सबने मिलकर के, और बहुत ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आया है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं, ये देख लो, हमारे यहाँ ये रस्म है, और ये हल्दी वाले दिन की रस्म है, और ये मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित जी, और ये कुछ रस्में हैं जो करवा रहे हैं। और उस टाइम बहुत धूप थी फ्रेंड्स, तो इधर कोई नहीं बैठा है, सभी लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, और धूप की वजह से पास में कोई नहीं बैठा है। इसके बाद जो मंत्र वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद हल्दी की रस्म शुरू होगी। और अभी सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, खाना बन रहा है, उसी टाइम खाना बन रहा था, कोई खाने में लगा हुआ है, कोई इधर उधर, सभी अपने कामों में बिजी हुए हैं। और कुछ लोग बैठे हुए हैं, पीछे मेरे चाचा जी बैठे हैं, और मेरी एक बुआ हैं वो बैठी हैं, और कोई नहीं है, और सभी इधर उधर बैठे हुए हैं। लगा दो। और आप देख सकते हैं ये मंत्र चल रहे हैं कुछ, जो पंडित जी पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अपने अपने यहाँ की अलग अलग रस्में होती हैं। और ये देख लीजिए, पंडित जी जनेऊ पहना रहे हैं भाई को, और मंत्र के साथ, और वो हंस रहा है, कुछ कह रहा है, और देख सकते हैं अब ये मेरी दीदी हैं। बड़ा ही मज़ा आया फ्रेंड्स। ये मेरे पास क्लिप्स पड़ी हुई थी, मैंने उस टाइम नहीं डाल पाई हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए अभी शेयर करूं। और ये देख लीजिए, ये भी एक रस्म है फ्रेंड्स हमारे यहाँ, जो कि हल्दी वाले दिन होती है। और ये काशी पढ़ने जा रहा है भाई, और पंडित जी ने बोला है कि सभी से बोलना है हम काशी पढ़ने जा रहे हैं, और सभी लोग आपके जेब में या फिर आपके जो भी बर्तन लेके जा रहे हैं उसमें पैसे डालेंगे। और ये रस्म है, ये रस्म श्री भीड़ वैसे ही बीच में सकते हैं, एक एक करके सभी से बोलेगा और सभी लोग उसमें पैसे डालेंगे। और इस तरीके से दो बार जाना है, अभी अंदर आ गए हैं और अब फिर से जाना है बाहर, फिर सबसे बोलना है। और सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, सभी लोग मजाक में ले रहे हैं, और बड़ा ही हंस रहे हैं, और वो भी हंस रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से मस्ती में सभी लोग अब फिर से जा रहे हैं बोलने के लिए। और ये देख लो, साइड में इधर खाना बन रहा था, और सभी लोग हंसने में लगे हुए हैं, बड़ा ही एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन ये एक रस्म होती है, उसको ही निभा रहे हैं। और देखो हमारी नव्या थी, ये देखो मैं खड़ी हुई हूँ दरवाजा रोक करके, ये भी बताया हुआ था पंडित जी ने कि आपको दरवाजा रोक करके खड़ा होना है और पूछना है कि कहाँ जा रहे हो, और वो कहेगा कि मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। बोल चुके हैं ऐसा दो तीन बार बोलना है, अगर के अंदर जाना है फिर बाहर आना है, इस तरीके से चल रहा है, और सभी लोग हंस रहे हैं। ये देख लीजिए, मम्मी खड़ी हुई है, अब मम्मी पैसे डालेंगी,
देखो अब सिर्फ भीख मांगो बता दे रहे ये मेरी चाची आ गई हैं छोटी वाली ये भी डालेंगी और इस तरीके से सभी लोग पैसे डालेंगे एक एक करके और ये सारे पैसे फ्रेंड्स पंडित जी को ही जाते हैं बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं फ्रेंड्स अब ये देख लीजिए फलदान स्टार्ट हो गया है लगन फलदान बोलते हैं तो वही चल रहा है प्रोग्राम है और ये उसकी सारी रस्में चल रही है ये सारे मेरा भाई बैठा हुआ है और देख लीजिए इस तरीके से ये चल रहा है कार्यक्रम और मेरे चाचा जी बैठे थे साइड में और फ्रेंड्स ही फोटो वगैरह ले रहे हैं सभी लोग और फ्रेंड्स मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित जी और सारे इसमें चल रहे हैं ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इधर फलदान वाले दिन इधर डांस चल रहे हैं और मेरी मौसी जी हैं ये डांस कर रही हैं और इधर मेरी चाची हैं बड़ी वाली बहुत अच्छा डांस कर रही हैं और सभी लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सभी को देख लीजिए इतनी भीड़ इकट्ठी होकर के देख रही है इन लोगों को और एक एक करके सभी ने डांस किया हुआ है लेकिन मैंने सभी की क्लिप्स नहीं ली हुई हैं क्योंकि मुझे उस टाइम थोड़ा काम पड़ गया था तो मैंने नहीं ले पाई है सभी की क्लिप्स और रिकॉर्ड नहीं कर पाया है सभी का मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर पाया था ये देख लीजिए फ्रेंड्स इस तरीके से मस्ती में डांस करने में लगे हुए हैं सभी लोग और बड़ा ही एंजॉय किया है सभी ने मिलकर के बड़ा ही मज़ा आया फ्रेंड्स ये मेरे भैया हैं मौसी के लड़के और देखो नछावर वगैरह हो रही है सारे लोग देख रहे हैं बड़े गौर से फ्रेंड्स इस टाइम मैं इस क्लिप के बाद मैं घर चली आई थी इस गाने के बाद मैं घर चली आई थी मुझे कुछ काम पड़ गया था तो मैंने आगे का नहीं रिकॉर्ड कर पाया है और इतना ही रिकॉर्ड किया हुआ था मैंने बहुत ज़्यादा डांस हुआ है सुबह तक डांस हुआ है फ्रेंड्स पूरी रात हो गई थी डांस करते करते सभी को ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब ये आ गया है बारात वाला दिन तो फ्रेंड्स ये मेरे हस्बैंड ने सबसे आगे जो पकड़े हुए हैं चद्दर को ये भी हमारे यहाँ एक रस्म होती है दो लोग चद्दर को पकड़ते हैं एक आगे एक पीछे और बीच में दूल्हा होता है जिसकी शादी होती है वही और मैं उसके पीछे जो होता है जो राई बोलते हैं उसको डाल रही हूँ ये भी एक रस्म होती है और थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती आ रही हूँ और सारी चीज़ें चल रही हैं और ये सभी लोग तैयार होके आ गए हैं देख लीजिए अब बारात जाने ही वाली है तो उससे पहले कुछ रस्में होती हैं वो चल रही हैं ये फ्रेंड्स देख लीजिए सारे लोग खड़े हुए हैं गाना वाना चल रहे हैं गाना गा रहे हैं सभी लोग और अभी बाहर कुछ रस्में होंगी उसके बाद बारात चली जाएगी फ्रेंड्स और ये मेरी देवरानी है इधर येलो साड़ी में और वो मैं खड़ी हुई हूँ पीछे पिंक ग्रीन में और ये मेरी देवरानी के बच्चे हैं दोनों और
ये कुछ रस्म ही चल रही है, उसी की वजह से इधर खड़े हुए हैं थोड़ी देर के लिए। और मैं राई को उसको डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये देखो नव्या हमारी घूम रही है फ्रॉक पहनकर। ये देख लीजिए बारात पहुंच गई है। और ये देखो मेरे बहन का बेटा है जो बैठा हुआ है। ये मेरी बहन है, चाची की लड़की, ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरे बहन के हस्बैंड हैं। तो आप जो है संज्ञान